दोस्तों मुहैशी रसोई में आज हम बनाएंगे बहुत ही कम तेल में बनने वाली और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी। फ्रेंड्स, इसे बनाना इतना आसान है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे और टेस्ट इतना बढ़िया है कि बच्चे और बड़े आपसे इसे बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। फ्रेंड्स, नॉर्मली जब हम कोई मेथी से रेसिपी बनाते हैं ना, तो वो कड़वी सी रह जाती है, लेकिन इसमें जिस तरीके से मेथी जाएगी उससे उसका जो कड़वापन होता है पूरी तरीके से निकल जाएगा। और इसके साथ बनाएंगे महीनों तक चलने वाली ये बहुत ही टेस्टी चटनी। वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एकदम नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, बिना किसी आटे के ये बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और सिर्फ थोड़े से ऑयल के साथ बनी हुई मेथी की शानदार रेसिपी बनाने के लिए मैंने एकदम अच्छे से साफ करी हुई 250 ग्राम जितनी मेथी ली है, जिसे छोटा छोटा काट लिया है। फ्रेंड्स, मेथी की कड़वाहट की वजह से बच्चे और कई बार तो बड़े भी मेथी खाना पसंद नहीं करते, तो उसके लिए आप क्या करें, एक बड़े से बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। उसके बाद डाल दें आप ये मेथी और इसे 15 मिनट के लिए एक साइड से रख दें। ये जो नमक वाला पानी है मेथी की काफ़ी सारी कड़वाहट को एब्जॉर्ब कर लेगा, थोड़ी सी तो रहेगी क्योंकि वो उसका प्रॉपर टेस्ट है। और सिर्फ 15 मिनट का ये छोटा सा प्रोसेस आपकी मेथी को बच्चे और बड़े दोनों का फेवरेट बना देगा। उसके बाद ले लिया एक स्ट्रेनर और उसमें हम ये मेथी डाल देंगे। फ्रेंड्स, अब ये जो मेथी है ये काफ़ी कम कड़वी है और बच्चे और बड़े दोनों आराम से खा सकते हैं। उसके बाद गैस ऑन करी, उसके ऊपर कुकिंग ऑयल रखा, उसमें डाला 1 टीस्पून जितना कुकिंग ऑयल। आपको बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून जितनी राई, 1/4 टीस्पून जितना जीरा। दोनों को अच्छे से तड़काया, उसमें डाल दी 2-3 हरी मिर्चें एकदम बारीक कट करके। फ्रेंड्स, इसमें हरी मिर्च का जो टेस्ट आएगा ना, अमेजिंग आएगा। उसके बाद डालेंगे फ्रेंड्स पानी, मैंने 2 कप जितना पानी लिया है। बस कप आप सेट कर लें, आप जो भी कप यूज़ कर रहे हैं। ये गई थोड़ी सी मिर्चें, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी और टेस्ट के हिसाब से नमक, नमक भी इसमें थोड़ा सा कम लगेगा। और जैसे ये अच्छे से गर्म हुआ, हमने जो मेथी कट करके रखी थी ना, अब उसे डाल देते हैं। और अब एक बार हल्का सा मिक्स करके हम इसमें आने देंगे एक बढ़िया सा उबाल। बस जैसे ही उबाल आएगा, आप ये समझिए आपकी मेथी हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। इसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, तो कवर कर देते हैं और उबाल आने देते हैं। जितने मेथी में उबाल आता है उतने ही मैंने लिया है 1 कप जितनी सूजी। आपके पास नॉर्मल सूजी हो या मोटी सूजी हो, इससे फ़र्क नहीं है, बस आपको उसे मिक्सी में ज़रूर चलाना होगा, तभी आपकी जो रेसिपी बनेगी ना वो प्रॉपर बनेगी। और ये देखिए हल्की सी मैंने इसे चला लिया है, ये मैदा जैसी या आटे जैसी तो नहीं होगी, बस हल्की सी बारीक हो जाएगी और एकदम परफेक्ट है। और इतनी देर में इसमें बढ़िया सा उबाल आ गया है और आप देख सकते हैं बढ़िया उबाल आ रहा है। अब हमने ये जो सूजी मिक्सी में चला कर रखी थी, थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे और जल्दी जल्दी मिक्स करते जाएंगे। और आपको 1 से 1.5 मिनट भी नहीं लगेगा, ये परफेक्ट डो की फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि सूजी काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब करती है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा गीला है तो आप थोड़ी सी सूजी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना सूजी कम पानी को एब्जॉर्ब करती है। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए एक साइड से रख दें, जिससे सेट भी हो जाएगी और थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी। और इसी बीच हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया महीनों चलने वाली सूखी चटनी। तो उसके लिए गैस ऑन करी, उसके ऊपर एक पैन रख दिया है और पैन में हम डालेंगे बिल्कुल 1 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। आपको इसमें ऑयल बहुत ही कम डालना है, ज़्यादा ऑयल ना डालें। और उसके बाद गया इसमें 1/4 टीस्पून जितना जीरा, और जीरे के साथ ही हम डालेंगे 10-12 कलियाँ लहसुन की। फ्रेंड्स, ये जो चटनी बनती है ना बहुत ही टेस्टी बनती है, और इसे स्पेशल बात है कि आप महीनों रख कर खा सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होती है। और जैसे ही लहसुन ब्राउन हुई, उसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जितने ये जो रॉ मूंगफली आती है ना, दाने जो आते हैं वो डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करते हैं। और इसमें छिलका वगैरह उतारने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास छिलका उतरे हुए हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और इन्हें भी अच्छा सा भून लिया। और उसके बाद मैंने ले लिया खोपरा या गोला, आप इसे जिस भी नाम से जानते हैं, और इसे छोटा छोटा कट कर लिया है, जिस समय इसे भूनने में आसानी रहेगी तो बस इसे भी भून लेते हैं। और उसके बाद लिए थोड़े से करी पत्ते, उसके साथ ही थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी ले लिया है। आपके पास जो भी है आप उसी से इस चटनी को बना सकते हैं, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और तीखेपन के लिए हम इसमें डालेंगे ये लाल मिर्चें, ये काफ़ी तीखी मिर्चें हैं,
मैंने 5-6 मिर्चें ले लिया है और बस अच्छे से सब चीज़ों को गर्म कर लेते हैं। जो चीज़ें कच्ची हैं अच्छे से भुन जाएंगी और बाकी का थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाएगा। और सब चीज़ें जब बढ़िया सी भुन गई, थोड़ी सी ठंडी हो गई फ्रेंड्स, अब बारी है चटनी बनाने की। और चटनी का मतलब है पीसना। तो उसके लिए मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और उसमें ये सारा अपना जो जितने भी सामान थे ट्रांसफ़र कर दिया है और इस तरीके से हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है, क्योंकि अभी इसमें कुछ और चीज़ें जाएंगी। तो सबसे पहले गया ये टेस्ट के हिसाब से नमक, और उसके बाद डाली 2 टीस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्चें। इससे बहुत ही शानदार कलर आएगा। और फ्रेंड्स, इसमें हम नींबू या अमचूर पाउडर नहीं डालेंगे। ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून जितना साटरी, टाटरी या नींबू का साथ, आप इसे जिस भी नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही खट्टा होता है और इससे जो टेस्ट मिलेगा ना वो बहुत ही बढ़िया मिलेगा और ख़राब होने के जो चांसेस हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सब कुछ इसे मिक्स कर लिया, पीस लिया और देखिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया चटनी बनकर तैयार हुई है। इस चटनी को आप इडली के साथ, डोसे के साथ, पकौड़ी के साथ या कोई भी भरवा पराठे बनाए हैं उनके साथ सर्व कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। और सूजी की कोई भी रेसिपी आप बना रहे हैं ना, सबके साथ बढ़िया टेस्ट करती है। और इसी बीच हमारी ये जो सूजी रखी हुई थी ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है और बढ़िया सी सैड भी हो गई है। तो चलिए अब बारी है इसे अच्छे से मसलने की। मसलने के लिए आप हाथों को हल्का सा चिकना कर लें और इस तरीके से अच्छे से मुक्की लगा लगा कर मसल लें। जब फ्रेंड्स ये अच्छे से मसल जाएगा तो आप देखेंगे कि हाथों पर स्टिक होना बिल्कुल बंद कर देगा। तो वही परफेक्ट होगा कि उससे जो आपकी रेसिपी बनेगी या आप कह सकते हैं सूजी मेथी के पराठे बनेंगे, बहुत ही शानदार बनेंगे। और ये देखिए परफेक्ट आटा लगकर तैयार है, हाथों पर बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा। तो अब बारी है इससे पराठे बनाने की। तो उसके लिए जैसे हम नॉर्मली पराठे बनाते हैं ना, उससे थोड़े बड़े बड़े से आप इस तरीके से पेड़े बना लीजिए और एक एक पेड़ा लेते जाएं और सूखे आटे में कोट कर लें। आप चाहें तो मैदा में कोट कर सकते हैं, सूखे आटे में कोट कर सकते हैं। और जैसे नॉर्मल पराठा बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से बिलकर तैयार हो जाएगा, कोई आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहें तो इस पराठे को बिल्कुल इसी तरीके से सेक सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। लेकिन अगर चाहते हैं थोड़ा सा वेरिएशन करना या थोड़ा सा और टेस्ट बनाना, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इस तरीके से लगा लीजिए और उसके बाद हमें ये जो सूखी चटनी बना के रखी थी ना, आप ये लगा लीजिए। ये काफ़ी स्पाइसी होती है और ये थोड़ी सी चटनी ही बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेगी। अगर आप ये मेथी वाले पराठे नहीं बनाने हैं, सादा पराठे बनाने हैं, उसके साथ भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम स्क्वायर में पराठे बनाएंगे। तो साइडों को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर लिया, एक साइड उठाई, फिर से फोल्ड किया और दूसरी साइड उठाई, उसके ऊपर रख दिया और ये देखिए एक स्क्वायर पार्सल जैसा बनकर तैयार हो गया है। तो बस एक और बना लेते हैं। और ये लीजिए हमारा ये वाला जो पराठा था बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी पर आपको जो टेस्ट मिलेगा ना वो बहुत ही बढ़िया मिलेगा। तो एक और बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने फिर से आटा लिया, अच्छे से उसे बेल लिया, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाया, मसाला लगाया और फिर से हम उसका एक पार्सल जैसा बना लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप डो पहले लगा कर रख दें तो आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये लीजिए हमारा दूसरा पराठा भी तैयार है। तो अब आ रही है सेकने की। सेकने के लिए गैस ऑन करी, तवा रखा और तवे को कर लिया पहले थोड़ा सा ग्रीस जिससे बढ़िया सा सेक जाएगा और उसके बाद पराठा प्लेस कर दिया। जैसे ये ड्राई हुआ टर्न कर देते हैं। फ्रेंड्स, इन पराठों को बनाना बहुत ही आसान है और फ्रेंड्स सीखने में बहुत ही कम समय लगता है, क्योंकि हमने जो सूजी ली है ऑलरेडी वो तैयार है, क्योंकि हमने उसे पहले ही अच्छे से उबाल लिया था। तो बस आप ये मान के चाहिए 1 मिनट में ही आपका पराठा तैयार हो जाएगा, हल्का हल्का सा फूल जाएगा। लेकिन आप ये ना सोचें कि ये गुब्बारे की तरह फूलेगा, ये गुब्बारे की तरह नहीं फूलेगा, बस हल्का हल्का सा फूलेगा। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रिस्पी सा हमारा पराठा तैयार हो गया है, सेकने में बहुत ही कम समय लगा है। तो चलिए सेम प्रोसेस से एक और पराठा बना लेते हैं और इसे कर देते हैं डिश आउट। फ्रेंड्स, ये पराठे आप अगर एक बार आपने बना लिया ना, तो आपको इतने पसंद आएंगे कि जब भी मार्केट में मेथी आती है ना, तो आप हर बार इसे को जरूर ट्राई करेंगे। तो चलिए दूसरा पराठा भी सेक लिया और ये देखिए ये भी बढ़िया सा सेक कर तैयार है। इन्हें सेकने में भी फ्रेंड्स ऑयल बहुत ही कम लगता है, एकदम कम ऑयल में सेक कर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सूजी
ऑयल को काफ़ी कम एब्जॉर्ब करती है। तो ये लीजिए हमारा दूसरा पराठा भी प्रॉपर सिक कर तैयार हो गया, इसे भी डिश आउट कर लेते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी और एकदम नए तरीके से हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स सूजी से बनाए हैं, तो आप ये मानकर चलिए जो कई बार होता है ना जब पराठे खाते हैं ठंडे तो गले में रुकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस चटनी के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और इस चटनी को आप सूजी की कोई भी रेसिपी बनाने हैं, कटलेट है, मेदू बड़ा है या पकौड़े हैं, सबके साथ बढ़िया टेस्ट करती है। इडली के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, इसलिए अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों एकदम मिनटों में बनी हुई ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।